जी बहुत बहुत बढ़िया लगा कि मतलब इतना बहुत खुशी होती है कि जब कोई स्पोर्ट्स लवर हो और वो सामने से जब वो फेलिसिटेट करने के लिए कहते हैं तो बहुत खुशी होती है और हमारा भी हौसला अफजाई होता है, हमें भी ऐसे लगता है कि हमें भी और आगे बढ़ना है, यहीं नहीं रुकना है। तो काफ़ी अच्छा लगा सर से मिलके और बहुत सारी बातें हुई, तो बहुत बहुत शुक्रिया इस मौके के लिए। और जी जैसे स्पोर्ट्स पॉलिसीज़ के बारे में और स्पोर्ट्स के बारे में बता रहे थे किस तरीके से काम किया गया है पंजाब में भी, तो हालांकि मैं बहुत ज़्यादा वाकिफ़ नहीं हूँ, पर जिस तरीके से सर ने आज बताया तो मुझे बहुत बढ़िया लगा कि स्पोर्ट्स को लेके वो कितने उत्सुक रहते हैं और सिर्फ पंजाब के लिए ही नहीं बल्कि हरियाणा और पंजाब दोनों के लिए काफ़ी मिलजुल कर काम, और हॉकी की जैसे चर्चाएं हुई तो काफ़ी बढ़िया लगा उनका जो उनकी उत्सुकता देखकर बहुत बहुत खुशी हुई जी। और मुझे उम्मीद है कि पंजाब और हरियाणा, मतलब इंडिया तो करे ही, बट जैसे पंजाब और हरियाणा भी काफ़ी तरक्की कर रहा है और यूँ ही करता रहे। मुझे लगता है कि खेल में तो सबको साथ मिलकर ही आगे बढ़ना चाहिए, कोई ऐसे नहीं होता कि लड़कियाँ और लड़के, पर मेरे ख्याल से बराबर की अपॉर्चुनिटीज़ दोनों को ही मिलनी चाहिए। जैसे मुझे तो बचपन से ही बराबर की अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं, पर बहुत सारे घर होते हैं जहाँ उतना उतनी अपॉर्चुनिटीज़ लड़की को नहीं दी जाती हैं, पर मुझे, मैं ये मानती हूँ कि समाज बदल रहा है और बहुत सारे पॉजिटिव चेंज देखने को मिल रहा है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे आने वाले 10-15 सालों में काफ़ी ज़्यादा चेंज, बढ़िया चेंज देखने को मिलेगा, और मैं भी अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि इसमें बदलाव लाने में मेरा जो पार्ट होगा मैं वो डेफिनेटली प्ले करूँगी।